ये पौड़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, उसमें हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई अनदर व्लॉग। आज मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ और उसके पास एक ऐसा किला है जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा और देखा होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये मंदिर से पहले पड़ने वाला पुल है और मैं आपको ये पुल दिखा देता हूँ। काफ़ी पुराना पुल है, यहीं से होकर जाया जाता है मंदिर के लिए। और जो मंदिर के पास जो किला है काफ़ी डरावना है, ऐसा माना जाता है उस पर भूत प्रेतों का साया है, इसीलिए मुझे कई लोगों ने जाने के लिए मना किया था। लेकिन मैंने आसपास के लोगों से बातचीत करके उनको साथ लेकर मैं गया था। दोस्तों काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में, एंड तक देखना वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना काफ़ी। और ये पानी वाला सांप है जो मुझे पुल के नीचे दिखाई दिया था। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे तो ऐसी चीज़ों से दूरी रहे। चलिए आपको मंदिर दिखाता हूँ। और ये मंदिर है बिलोनी वाली माता के नाम से प्रसिद्ध। ये मंदिर है, काफ़ी दूर दूर से लोग इस मंदिर को देखने आते हैं, कई राहत से जुड़े हुए हैं इस मंदिर से। और ये घंटियाँ देख सकते हो कितनी सारी थी, यहाँ पर झंडे चढ़ाए जाते हैं। और ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है। चलिए मंदिर को आगे से दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी सुंदर मंदिर है ये, और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जैसे कि बाहरी साया होता है वो पूरा दूर हट जाता है अगर किसी के ऊपर होता है यहाँ पर लाने से। और यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं। और ये मंदिर के बगल में एक किला था जो कि मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। जो यहाँ के राजा थे उन्होंने इसे बनवाया था, लेकिन अब तो ये पूरा खंडर में बदल चुका है। काफ़ी रहस्यमय किला है और कई भूत प्रेत इस किले में रहते हैं। रात के समय में इसमें आना वर्जित है, कोई रात के टाइम पर इसमें जा नहीं सकता। अभी भी कुछ चीज़ें हैं इसमें जो देखने लायक हैं। आसपास ऐसी कई गुफाएं सी बनी हुई हैं जो देखने लायक हैं वास्तव में, लेकिन पूरा खंडर में बदल चुका है। अगर आप आते हो इसे देखने के लिए तो आप अकेले ना आए, किसी को साथ लेके आएँ तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये देखिए कितना खंडर सा बन चुका है। अगर आप आते हो तो काफ़ी डरावना सा लगेगा आपको, तो आप किसी के साथ ही आएँ, नहीं तो आप डर जाओगे देखकर इस किले को अंदर से। और चलिए बाहर चलते हैं, बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसके टॉप पर हूँ किले के। ये देखिए चारों तरफ से टूटा हुआ है, ये देख सकते हो पत्थर वत्थर सब गिर चुके हैं, पूरा टूट चुका है ये। और इसके पास कई झाड़ियाँ और पेड़ पौधे उग चुके हैं। रखरखाव सही ढंग से ना होने के कारण ये अब तो पूरा खंडर में बदल चुका है। अब आप जाओगे इसे देखने के लिए तो सिर्फ आपको पूरा खंडर ही नज़र आएगा। पहले ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कुएं को महल के अंदर ही बनाते थे ताकि पानी की ज़रूरत पड़े तो महल में से ही पानी भर लिया जाए, पास में जो कुआं आपने देखा था। और भी कई चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में ज़रूर देखनी चाहिए, एंड तक वीडियो में बने रहे। और ये देखिए यहाँ पर एक घर सा है, और ये सामने एक मंदिर है इसी के अंदर, ताकि यहाँ पर जो भूत प्रेतों का साया है वो ना रहे, इसीलिए इस मंदिर को बनाया गया है यहाँ पर। पर अभी तो इस किले में मुझे कोई नहीं मिला था जब मैं गया था। मेरे साथ एक लड़का और था जो आसपास के ग्रामीण लोग थे, वो मेरे साथ थे इसीलिए मैं इसमें गया था, नहीं तो मुझे मना कर दिया था उन्होंने जाने के लिए। कह रहे थे कि इसमें कोई भूत प्रेत रहते हैं तो आप ना ही जाएँ तो अच्छा था, लेकिन हम तो खैर हम ठहरे। तो मैंने दो तीन लोगों से वहाँ पर आसपास के जो लोग थे उनसे बात की और फिर मैंने इस किले में जाने का प्लान बनाया। काफ़ी अच्छा लगा अंदर से मुझे देखकर। खैर पूरा खंडर में बदल चुका है, लेकिन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा मज़ा आया। चलिए चलते हैं वापस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।